मुआवजा के लिए 600 किसान परेशान। मीटिंग के बाद एक महीने के लिए टला मामला। बरेली। अखिल भारतीय किसान महासभा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और किसानों की समस्याओं और मुआवजा को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष हरनंदन सिंह पटेल ने कहा कि NHAI ने किसानों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। 10 वर्ष बीतने के बावजूद किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मीटिंग के दौरान सगीर अहमद, हरनंदन सिंह पटेल, अश्वनी कुमार, रामस्वरूप, राममूर्ति, विपिन यादव, धर्मजीत, कलावती, ताराचंद, सरवर खान, प्रदीप कुमार, भीमसेन, नेमचंद, किशनलाल, मानसिंह, नसीम खान, पूरनलाल, महमूद खान आदि किसान मौजूद रहे। क्या नाम भैया आपका? हरनंदन सिंह पटेल। कहाँ से आए आप लोग? हम ग्राम कुमरा से आए। क्या मामला है हम जमीन को लेकर के? ये बड़ा बाईपास जो हमारे बरेली में बना, इसमें 33 गांव के लगभग 3400 किसानों की ज़मीन गई थी, जिसमें 600 लोग अभी भी मुआवजे से वंचित हैं, जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। 10 साल बीत गए और रेट तय करने में जिला प्रशासन का बहुत बड़ा मतलब रोल ऐसा रहा कि जिन्होंने भेदभाव किया, पक्षपात किया। 3 गांव हमारे माननीय मंत्री जी का, ट्यूलिया गांव, दंतिया और परसा खड़ा, इन 3 गांव के रेट अलग से तय किए गए, जो उनका 2008-09 में रेट मात्र 20 से 40 था, न्यूनतम 20 लाख अधिकतम 40 लाख, दंतिया का न्यूनतम 10 लाख अधिकतम 30 लाख और 65 और 61 लाख पर पेमेंट हुआ। बाकी गांव के रेट न्यूनतम 33 लाख 2008-09 में, जबकि ज़मीन ली गई 2013-14 में, और न्यूनतम से भी 8 लाख कम करके मात्र 25 लाख पर पेमेंट हुआ। 3 गांव जिसमें मुड़िया अहमदनगर, भूड़ा और बिथरी चैनपुर, जिनका न्यूनतम रेट 60 लाख होते हुए अधिकतम 83 लाख और पेमेंट 34.60 पर किया गया, प्रति हेक्टर दिया गया। तो ये सरासर जिला प्रशासन का बहुत बड़ा अन्याय है, जिसके वजह से हम 600 लोगों ने मुआवजा नहीं लिया और आज तक संघर्षरत हैं। आज की मीटिंग में PD मुरादाबाद महोदय आए और उनके समक्ष ही प्रकरण पुनः रखा गया। इसमें तय हुआ कि हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, हम कोई वो नहीं ले सकते फैसला अकेले, तो 1 महीने का समय मांगा है। एक्चुअली हाँ, तो इससे पहले हम कई बार कह चुके हैं कि अब तक ये पत्राचार जो हुआ उस पर कोई अमल नहीं हुआ, अब हम लंबे समय नहीं ठहर सकते और ना उसको झेल सकते हैं, अब आगे इसका रूप अलग होगा, हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ के, चाहे भले हमारे प्राण कहीं क्यों ना चले जाएं, लेकिन हम हटेंगे नहीं, ये हमने उनको बता दिया। क्या नाम है आपका? महेश चंद द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला तो विलवा में जमीन है, वैसे बरेली में रहता हूँ जी। आज जिला प्रशासन ये चाहता है कि किसानों के बीच में और NHAI के बीच में जो है ये मुआवजा देने का सिलसिला जो है कोर्ट से बाहर, न्यायालय से बाहर निर्णय किया जाए, लेकिन NHAI ये चाहती है कि ये मामला जो है, क्योंकि किसान जो है कोर्ट में चले गए थे, इसलिए वो कहती है कि हम ये मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए हम इस पर निर्णय नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश विधि न्यायालय द्वारा ये इस बात का जो है स्पष्ट तरीके से लेटर भेज दिया गया जिला प्रशासन को कि न्यायालय के बाहर भी जो है आपसी समझौते से मामला का निस्तारण किया जा सकता है और किसानों को मुआवजा दिया जा सकता है। इसी संबंध में आज जो है PD महोदय, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI आए हुए थे, उन्होंने कहा कि चूँकि मुझे ये मामला मुख्यालय से संबद्ध है और मैं मुख्यालय के बगैर निर्णय के मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है कि 1 महीने बाद जो है इस संबंध में कोई खतो किताबत करने के बाद, पत्राचार करने के बाद निर्णय लेकर के बताएंगे कि ये समझौता हो सकता है नहीं जी।